कपूर पोस्ट करते हैं अ पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम विद आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी, कुणाल खेमू एंड मोहित सूरी एंड लिखते हैं टुगेदर वी आर मलंग एंड कहते हैं कि ही इज प्लीज्ड टू अनाउंस हिज फर्स्ट विद ऑल दीज टैलेंटेड आर्टिस्ट्स। यस, ये पहली बार होगा दैट ये आर्टिस्ट एक साथ काम करेंगे एंड दिस फिल्म इज स्लेटेड टू रिलीज ऑन वैलेंटाइन्स डे 2020। सोनाली बेंद्रे बात करती है अबाउट हर कैंसर सर्जरी। वो कहती है कि वो काफी डरी हुई थी 20 इंच के निशान से जो उन्हें सर्जरी के बाद उनके मिडरिफ पे मिलता। शी फर्दर एडेड दैट वो काफी क्लियर थी एंड शी वांटेड टू बी द इंचार्ज ऑफ हर ओन स्टोरी एंड ये भी कहती है कि अगर वो कहेंगे कि सब कुछ एकदम सनशाइन जैसा था तो वो सरासर झूठ होगा। बॉलीवुड की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कंगना रनौत रिवील करती है कि उनकी जिंदगी में कोई है। जब इंडिया टुडे से कंगना की बात हुई तो उन्होंने क्लियरली कहा कि उनके लाइफ में कोई है और उन्हें कोई रेगुलर डेटिंग की जरूरत नहीं। वो ये भी कहती है दैट एट दिस एज शी वांट्स टू जस्ट हैव अ कंपेनियनशिप जो उन्हें इंस्पायर करे एंड उनको ऐसा कोई वक्त याद नहीं जब वो प्यार में नहीं थी। ये तो बात थी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, बट ऑन वर्क फ्रंट कंगना रनौत हु रिसेंटली डायरेक्टेड मनी कर्णिका हैज सेड कि अब वो प्लान कर रही है ऑन मेकिंग अ फिल्म ऑन वुमेन वॉरियर्स एंड टेकिंग अ ट्रिलॉजी फॉरवर्ड। कंगना ये भी कहती है दैट मणिकर्णिका कैन बी द फर्स्ट पार्ट एंड देन हो सकता है कि दुर्गावती या रजिया सुल्तानन ऐसे कई सारे वॉरियर्स हैं जिन पे फिल्म्स बन सकती है। कंगना आल्सो अनाउंस्ड अ बायोपिक ऑफ हर लाइफ एंड स्ट्रगल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस कंगना कहती है दैट ऋतिक रोशन विल नेवर बी वेयर आई एम। दिस वाज व्हेन शी वाज आस्क्ड कि वो कैसे रिएक्ट करती इफ शी हैड टू स्वैप प्लेसेस विद ऋतिक। आल्सो जब पूछा गया अबाउट करण जौहर मॉकिंग हर तो कंगना कहती है कि कुछ लोगों को च्यवनप्राश की जरूरत है। आलिया भट्ट हु इज डेटिंग एक्टर रणवीर कपूर कहती है दैट शी इज स्केयर्ड टू बी डायरेक्टेड बाय हर फादर महेश भट्ट। आलिया ये भी कहती है दैट आई हैव अ वॉल अराउंड मी एवरी नाउ एंड देन एंड वो काफी गिने चुने लोगों को वो वॉल क्रॉस करने देती है एंड दैट हर फादर महेश भट्ट इज वेटिंग टू ब्रेक दैट वॉल डाउन। पाकिस्तानियों ने पिटिशन फाइल किया है प्रियंका चोपड़ा के अगेंस्ट टू रिमूव हर एज यूनिसेफ गुडविल्स एम्बेसडर क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने इंडियन एयरफोर्स को कंग्रेचुलेट किया आफ्टर द एयर स्ट्राइक। पाकिस्तानीज का कहना है कि एज एन एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ प्रियंका वाज सपोज्ड टू स्टे न्यूट्रल एंड पीसफुल लेकिन उनके कंग्रेचुलेट करने के ट्वीट से उन्होंने कहा शी डजंट डिजर्व दिस टाइटल एनीमोर। हालांकि इस बात के बारे में अभी तक तो ना प्रियंका ने कुछ कहा है और ना ही यूनिसेफ ने। सोशल मीडिया के द्वारा एक नोट शेयर करके सुशांत सिंह राजपूत वार्न करते हैं अपने फैंस को अगेंस्ट द डब्ड वर्जन ऑफ सौंचेरिया। सुशांत सिंह की लेटेस्ट फिल्म सौंचेरिया का डब्ड वर्जन इज बीइंग प्लेड इन सेवरल थिएटर्स बट सुशांत का कहना है कि उन्होंने कोई दूसरे वर्जन में कोई भी डबिंग नहीं की है एंड ये भी कहते हैं कि अगर कोई जानता है कि ये वर्जन कौन से थिएटर्स में दिखाया जा रहा है देन उनको जरूर बताएं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू मूवी टॉकीज फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स।